हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक अमित बडेसरा चैनल। और शाम का टाइम हो गया, मित्तू तो नहीं आया अभी तक, बाहर ही है। और आज मैं और मम्मी बनाने वाले हैं स्पेशल क्या मी खट्टा की सब्जी बना, बाजरा की रोटी भाई चूल्हा पर। हाँ, बालकनी को हमारे को 6-8 महीने हो गए मेरा आंसर ना मी। हाँ। पिछले जड्डा में हुई थी ना शायद, है ना, तो जड्डे आ गए, मतलब गणी से साफ तो कोई नहीं था ज्यादा। हाँ, ज्यादा साफ तो नहीं है, पर फिर भी हमने जुगाड़ कर लिया, सेटअप लगा लिया। दिखाती हूँ क्या क्या लगाया है। तो भाई आज बना रही है आंटी बिल्कुल देसी तरीके से खट्टा की साग बनेगी भैया, जो कि गिर दी आंटी मूंग दाल गिर दी, जो गजरेलो और पालक पालक मेथी कोई मूली का पत्ता कोई गजरा कई चीज। और आज क्या पे बनने वाली, गैस पे बनने वाली आज, आज बनेगी चूल्हे पे। भाई गांव में जाके आया था, गांव में खा के आया ना चूल्हा पर, तो चूल्हा की रोटी सब्जी यहाँ की आदत हो गई, बढ़िया मुंह का लाग गई। अब 2 दिन तय दो, मतलब तो गांव गए थे, मुंह का लाग गई चूल्हा की रोटी। गैस वाली अच्छी लाग, अब गैस वाली को और अच्छी लाग, अब चूल्हा जलन लाग रहा है बाहर। नहीं सब्जी भी चूल्हा पर दिया, खाटा साग भी चूल्हा बनेगो और रोटी सारी चीज चूल्हा बनेगी। अब बनेगी चूल्हा पर, चलो भाई चूल्हा बड़ा ही दिखा। ये देखिए डेगची चूल्हा रख दिया इस पर, डेगची आग जला दी है, जो सारा सामान रखा हुआ हमारा, हमारी मदर इंडिया अम्मी हमारा सो रहा है उधर, बिछ गया चटाई। तो गाइस यहां पे मम्मी कूटने लग रही है लहसुन, लहसुन वैसे मैंने कूट दिया था पर भाई साहब ये हमारा उठ गया, ये छोटा भाई साहब हमारा उठ गया। दादी की साइड फेच करो, इधर गयो, इधर खेली खेली करो। तो इसको भी हम बालकनी में ले आए, एम्मी को भी बाहर। और आज एम्मी होने के बाद पहली बार हम लोग चूल्हे पे कुछ बना रहे हैं, खाटे की सब्जी और बाजरे की रोटी। आप लोगों को हमारे चूल्हे वाले ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो आज मजा लो वही चूल्हे के ब्लॉग का। देखो ना नहीं खाते इसको, तो बस अब जैसे जैसे हो गया आप लोग दिखाएंगे रेसिपी सारी, शेयर करेंगे कैसे कैसे बनाएंगे। मुझे ये वाला बनाना नहीं आता है इसलिए मम्मी बनाएंगी और बताएंगे आप लोगों को। ये बाजरा को चून से भाई और ये लहसुन में मिला दिया। हाँ। आप लोग हरी मिर्च भी साथ में पीस सकते हो लहसुन के साथ में, हमने नहीं पीसी क्योंकि हमारे पास खत्म हो गई थी। यस अच्छा है। और ये डाल दी लस्सी, इसमें डाला है लस्सी और बाजरे का आटा और लहसुन कूट के, अब इसको कर देंगे मिक्स। और ये जो इधर हमारा उबलने लग रहा है डेंची में, इसमें मम्मी क्या क्या है, पालक पालक मेथी गजरा मूली का पत्ता और मूंग दाल। हमारे यहाँ मुझे लग रहा है कि शायद मम्मी हरे साग की बात करी, हमारे यहाँ जो हरा साग बनता है पर वो अलग होता है, उसमें खाली वो पालक या बथुए का बनता है और उसमें दाल और ये सारी चीजें नहीं डलती जो मम्मी ने डाली है। तो मम्मी कुछ कोई बाजरा डाल दे से थोड़ा बहुत, बाजरा तो डालने हैं, कोई मूंग दाल डाल, पांच छह वो घुटन दे बाजरा को सुन लो घेरता हूँ बाद में खाली बाजरो बाजरा। हाँ अच्छा, ईद की बार बनाऊंगी ना। हाँ। थोड़ी सी देर में गिरनी बड़ी बोल से देर बाद में। क्या क्या मजे आ रहे, क्या मजे आ रहे आपको, मजे आ रहे क्या बालकनी में, मजे आ रहे क्या, अरे बताओ तो सही। इसी में यूं का यूं डालना है। देखो हमारी डेगची तो हो गई सकाली, डेगची तो चूल्हा बना काली, देखो ये देखो यो डाल दिया भाई, मम्मी ने जो गुड़ बनाया था वो सारी चीज इसमें मम्मी ने डाल दी है। रेसिपी देखे जाइयो फिर बाद में मत कहियो यार किस तरीके से बनाई है, ये सारी देख लियो बढ़िया तरीके से। उसमें थोड़ा और पानी सा डाल के घोल जो रह गया था और मिला दिया इसमें, क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लिया, हमने तो भाई 2-3 बंदे की बनानी है तो इस करके हम तो थोड़ी कम बना रहे हैं।
आप लोग। हाँ बेटा, ओहो रोई रोई कर रहा मेरा बेटा तो भाई। अब इसको कितनी देर, इसमें क्या क्या डालना और? बस और कुछ नहीं, इसको उबालने देना अभी है। या दो एक मिनट उबाल ले लूं सर। हाँ चून गिर रहे थे ना। हाँ ये रख जाएगा दो मिनट में, बस दो तीन मिनट में रख जाएगा। कितनी बड़ी आग वाला रिश है इसकी। एक मजा मम्मी, फूक को नहीं बाननी पड़े, एक बार जड़ा दो आप जड़ती रहेंगी। इधर मम्मी बना रही है बाजरे का आटा और सब्जी भाई, और हमारी ऑलमोस्ट तैयार होने लग गई है, और मैं इसको पिला रही हूँ दूध। बढ़ गई सब्जी इतनी सा हरी मिर्च होती ना तो हरी कलर दिखाई दे, तो लाल मिर्च गिर ली ना तो कलर में थोड़ा डिफरेंस है। कलर वाली मिर्च है बढ़िया, ये राजस्थान के अपने। तो भाई बीच में इसने कर दिया कांड, तो अब इसको पुट्टी करवा रही हूँ। हाँ बेटा, हाँ कर ले आराम से कर ले। हमेशा ऐसे ही करता है, जब मैं खाना खाने बैठूंगी तो रोएगा या फिर पुट्टी करेगा। हमेशा रोता था, आज अपना भाई साहब ने पुट्टी कर दी। ठीक किया आपने, बहुत अच्छा किया। मम्मी और सोच रहे थे हम लोग चूल्हे पे ही गरम गरम खा लेते बैठ के, अब पहले इसकी पुट्टी साफ होगी, बाद में जो गरम गरम रोटियाँ खाई जाएंगी। आपको पता है क्या उधर फोन है, पता है क्या आपको? पता है इसने सारा बत्ता के ज्ञान से। तो गाइस ये हो गई है अपनी खाटे की सब्जी रेडी, और बाजरे की रोटी बढ़िया देसी घी, मेरा जा प्यारा खाया ना हमने, और यह चटनी सुबह वाली, और साथ में घर की जमाई उड़ दही है, यह खा के देखूंगी कैसा इसका टेस्ट। आप लोगों को इसलिए लग रहा होगा इसमें हल्दी नहीं डाली, ये हरी सब्जी की तरह ही है। ये आपको दिखने में इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें डली है हरी मिर्च और ऊपर से डली है लस्सी, है ना मी? लाल मिर्च रोटी खाऊंगी, इतनी डाइट है मेरी तो, फिर सोते टाइम लूंगी दूध, और आज हम खा रहे हैं जल्दी 7 बजे होंगे ना मी। इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करना, बढ़िया बनेगी। रोटी खा ली, बर्तन कर दिए, रोटी सब्जी। पहले मैं सोच रही थी सब्जी मम्मी कर देगी, रोटी मैं बना दूंगी, पर इसने बीच में पुट्टी कर दी। चार रोटी सीखी थी तो मम्मी नहीं सीख दी, चार पांच, मैं तो एक रोटी खाती हूँ बाजरे की, दो मम्मी खाती है। और अब बर्तन मैंने कर दिए हैं, बर्तन हो गए, बस अब आराम से करेंगे रेस्ट, एमी के साथ खेलेंगे, खेलने लग रहा अभी। और आप लोग बताना आप लोगों ने अपने करवा चौथ के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है, क्या क्या लिया है। और मैंने तो सब्जी बढ़िया लग गया, खट्टी खट्टी सी, आप लोग भी ट्राई करना आप लोगों को कैसी लगेगी सब्जी। हरे साग जो हरा साग हो ना बनती वैसे, पर बिल्कुल डिफरेंट है टेस्ट वाइज, हरे साग का अलग ही टेस्ट होता है भाई, इसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। तो ट्राई करके देखना इस तरीके से बढ़ाने की, और लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डालना, हमारे पास आज हरी नहीं थी तो हमने इसलिए लाल डाल दी थी। क्या तो भाई एमी की तरफ से सबको गुड नाइट, और आज 7 ही बजे हैं, 7 बजे हमने खाना खुना खा लिया, सारा काम कर लिया है भाई, और अब जो है हम सोने की तैयारी करेंगे अगर ये सो जाएगा तो। तो वीडियो को क्या करना बेटा जी? लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। हाँ।